और आइए गणतंत्र दिवस पर देश हित स्पेशल की शुरुआत करते हैं। कर्तव्य पथ पर आज सिर्फ 52 सेकंड में भारत का इतिहास बदल गया। आजाद भारत का ये पहला गणतंत्र दिवस है जहां तिरंगे झंडे को स्वदेशी तोप से सलामी दी गई। आज देशहित में हमने तय किया कि सबसे पहले आपको स्वदेशी तोप से सलामी की तस्वीरें दिखाई जाएं, क्योंकि ये तस्वीर ऐतिहासिक है और इस तस्वीर के जरिए एक नई स्वदेशी कहानी लिखी गई है। कर्तव्य पथ से पहली बार स्वदेशी तोप ने कहा, माँ तुझे सलाम। ये क्षण अद्भुत है, ये पल अनोखा है, ये तस्वीर ऐतिहासिक है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार कर्तव्य पथ पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वदेशी तोप से सलामी दी गई। राष्ट्रगान की लहराता तिरंगा और इन सब के बीच गरजती स्वदेशी टोपी। इसे आप सिर्फ इसलिए नहीं देखें कि ये 26 जनवरी के कार्यक्रम का एक हिस्सा है, बल्कि ये सोचकर देखें कि जिस भारत की पहुंच चांद से आगे बढ़कर मंगल तक हो गई है, वो देश इससे पहले अब तक हर गणतंत्र दिवस पर ब्रिटिश तोपों से राष्ट्रगान के दौरान सलामी लेता आ रहा था। पहले ब्रिटेन में बनी 25 पाउंडर तोपों से सलामी दी जाती थी, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होता था। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी 105 मिलीमीटर इंडियन फील्ड गन से सलामी दी गई। इन तोपों को जबलपुर और कानपुर की गन फैक्ट्री में बनाया गया। अब इन दो तस्वीरों को भी देखिए। पहली तस्वीर 15 अगस्त 2022 की है और दूसरी तस्वीर आज यानी 26 जनवरी 2023 की है। पहली तस्वीर लाल किले की है और दूसरी तस्वीर कर्तव्य पथ की। लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों में एक बात जो कॉमन है वो है स्वदेशी तोपों वाली सलामी। आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा ताकत नहीं दी। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उज्ज्वल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं। सैल्यूट, सैल्यूट मेरे सेना के अधिकारियों को सैल्यूट। 15 अगस्त 2022 को लाल किले पर भी पहली बार स्वदेशी तोप से सलामी दी गई थी। इस दौरान भारत में बनी 155 मिलीमीटर होविट्ज़र तोप का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को सलामी देने वाली तोपे बनाने वाले नायकों को सलाम किया था। कर्तव्य पथ से लाल किला तक पर स्वदेशी तोपों से सलामी देने की यह शुरुआत है। हम आप रहे ना रहे, लेकिन यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस स्वदेशी तोप से कर्तव्य पथ पर तिरंगे को सलामी दी गई, उसे बनाने की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी और साल 1980 से हमारी सेना
इस तोप का इस्तेमाल कर रही है। कर्तव्य पथ पर स्वदेशी टैंक से गुलामी देने के बाद शुरू हुआ शक्ति प्रदर्शन का दौर। इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ से भारत की स्वदेशी शक्ति का दीदार पूरी दुनिया ने किया। एक से बढ़कर एक स्वदेशी मिसाइल और एक से बढ़कर एक स्वदेशी टैंक। जमीन से लेकर आसमान तक कर्तव्य पथ पर भारत के शक्ति प्रदर्शन की हर झांकी खास थी, लेकिन स्वदेशी हथियारों वाली झांकियों का अंदाज अलग ही था। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस का सबसे पावरफुल वर्जन। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का 861 मिसाइल रेजिमेंट 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया। हिंदुस्तान के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सबसे अपडेटेड या यूं कहें सबसे पावरफुल वर्जन पहली बार कर्तव्य पथ पर उतरा। 861 मिसाइल रेजिमेंट की आन बान शान ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसे जमीन, आसमान और समंदर कहीं से भी दागा जा सकता है, फिर चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो। 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम ब्रह्मोस का खौफ पाकिस्तान और चीन को भी है, और दुनिया के कई देश भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए कतार में लगे हैं। भारत को रक्षा उत्पादों का पहला बड़ा ऑर्डर ब्रह्मोस का मिला है। फिलीपींस अब ब्रह्मोस खरीद रही है। शुरुआत में जब ब्रह्मोस बनी थी तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी। भारत और रूस के सहयोग से बनी एक क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर तक फायर करती है, लेकिन उसके बाद इसकी रेंज बढ़ाई गई। इसकी रेंज 450, 600 और 700 की गई। अब जो ब्रह्मोस सिस्टम एयरक्राफ्ट से यानी Su-30 से फायर होता है उसकी रेंज 700 किलोमीटर से ज्यादा की गई है। कर्तव्य पथ पर पराक्रम का नाम। We have the NAG missile system of the 17th mechanized infantry regiment. गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना का नाग भी आया। नाग यानी एक ऐसी स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे DRDO ने तैयार किया है और जिसके नाम से भी दुश्मन डरते हैं। 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम नाग की तुलना अमेरिका और इजराइल एंटी टैंक मिसाइलों से की जाती है। नाग को बख्तरबंद गाड़ी या हेलीकॉप्टर दोनों से फायर किया जा सकता है। दरअसल नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जरूरत भारत को बहुत ज्यादा थी। भारत अभी तक विदेशों से आयातित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है, यानी ATGM। मिलान और कॉन्कोर्स अभी तक भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना को अपनी जरूरतों के लिए नाग जैसे किसी स्वदेशी ATGM की जरूरत थी। कर्तव्य पथ पर आकाश की अलख। This weapon system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019. स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश भी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की झांकी में चमक रहा था। भारत के पास आकाश का एडवांस वर्जन है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक, 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम आकाश वायुसेना के साथ साथ इंडियन आर्मी के लिए भी एक प्रमुख हथियार है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अभी आपने कर्तव्य पथ पर स्वदेशी मिसाइलों की ताकत देखी।